बोनजोर्ना रगाजी। ओके, तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ जेनोआ में अप्लाई कर दिया है, या वो अपनी एप्लीकेशन प्रिपेयर कर रहे हैं अप्लाई करने के लिए, या फिर उनका एडमिशन ऑलरेडी आ चुका है। क्योंकि आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ जेनोआ के डिफरेंट कैंपसेस, जिसमें मेन कैंपस, इंजीनियरिंग कैंपस, कंप्यूटर साइंस कैंपस एंड सोशल साइंस कैंपस। और कैंपस टूर के बाद इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा यूनिवर्सिटी ऑफ जेनोआ में एडमिशन लेने का प्रोसेस और जो थोड़ी बहुत जनरल रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्कॉलरशिप का प्रोसेस और स्कॉलरशिप की डिटेल्स। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। सो बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ जेनोआ के जो कैंपस हैं वो वाइड स्प्रेड हैं थ्रू आउट द सिटी, और अभी हम लोग जा रहे हैं एग्जैक्टली मेन कैंपस की तरफ, जिसमें अभी तक हमारी तो कोई भी क्लास नहीं हुई है, बट दैट्स अ सिग्नेचर कैंपस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ जेनोआ। तो दिस इज़ द स्ट्रीट विया बाल्बी, द फेमस स्ट्रीट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ जेनोआ एंड द जेनोआ सिटी इटसेल्फ। तो अभी हम आपको दिखाने वाले हैं मेन कैंपस। अच्छा, इस कैंपस का बेसिकली सीन ये है कि हम स्टूडेंट्स का ज़्यादा यहाँ आना जाना नहीं होता, क्योंकि ना यहाँ पर कोई ख़ास क्लासेस होती हैं। हाँ, अगर किसी किस्म के सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस या जॉब सेरेमनीज, इवेंट्स, कॉन्वोकेशंस होती हैं तो हाँ इन कैंपस में हमारा बिल्कुल आना जाना होता है, और इसके अलावा कोई ख़ास यहाँ पर एक्टिविटी नहीं होती है। बट इट्स अ ब्यूटिफुल कैंपस, एक हिस्ट्री का सिग्नेचर, यूनिवर्सिटी ऑफ जेनोआ इटली के लिगुरिया रीजन की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, जिसका ये कैंपस तो छोटा सा है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे कैंपसेस हैं जो कि मैं आपको वन बाय वन दिखाने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। तो ये था हमारा मेन कैंपस, जिसमें मोस्टली बैचलर्स के स्टूडेंट्स की क्लासेस होती हैं, और एज आई सेड कि अगर कोई यूनिवर्सिटी का इवेंट होना होता है, कोई कॉन्फ्रेंस या सेमिनार होता है, तो वो इस कैंपस में ऑर्गेनाइज किया जाता है। अब हम चलते हैं कंप्यूटर साइंस कैंपस की तरफ, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ जेनोआ का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा कैंपस है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ जेनोआ का बाय द वे सबसे बड़ा और सबसे अच्छा कैंपस है। इसमें कंप्यूटर साइंस, आर्किटेक्चर और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की क्लासेस होती हैं। तो अभी मैं इस डिपार्टमेंट को आपको अंदर से दिखाता हूँ। तो यार, इस तरह की क्लासेस होती हैं, ये ऑडिटोरियम सेल क्लासेस होती हैं, और ये यहाँ पर ज़्यादातर क्योंकि ऑनलाइन मोड में क्लासेस हो रही होती हैं, तो क्लास में प्रोजेक्टर और कैमराज इंस्टॉल होते हैं, जो कि ऑनलाइन मोड में आपको देखने में, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये है कंप्यूटर साइंस के कैंपस का माहौल। Thank you.
सो दिस इज़ द बिगेस्ट कैंपस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ जेनोआ और इसके तकरीबन 7 फ्लोर्स हैं और हर फ्लोर पे बहुत सारी क्लासेस हैं और कुछ स्मॉल साइज क्लासेस हैं और कुछ ऑडिटोरियम स्टाइल क्लासेस हैं जिसमें अच्छे खासे स्टूडेंट्स की कैपेसिटी होती है. सो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है इस कैंपस आके क्लासेस लेना और स्नैक्स वगैरह के लिए मेंसास भी बनी हुई हैं. ये सारे फीचर्स यहाँ पर हैं. दिस वॉज द अमेजिंग कंप्यूटर साइंस कैंपस. कंप्यूटर साइंस के जो डिपार्टमेंट्स हैं यूनिवर्सिटी ऑफ जेनोआ में, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, डेटा सेंट्रिक कंप्यूटिंग, कंप्यूटर साइंस इटसेल्फ, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ये सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं. अगर आपका इनमें से किसी एक प्रोग्राम में एडमिशन होता है सो यू आर गोइंग टू स्टडी इन दिस कैंपस. एंड लेट मी टेल यू समथिंग स्पेशल. यूनिवर्सिटी ऑफ जेनोआ के वैसे तो सारे मेजर्स में बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, बट कंप्यूटर साइंस डिग्रीज और रोबोटिक्स इंजीनियरिंग, ये दो मास्टर्स की डिग्रीज यूनिवर्सिटी ऑफ जेनोआ की बहुत अच्छी हैं और इन्हीं दो डिग्रीज की वजह से यूनिवर्सिटी ऑफ जेनोआ इटली में स्टैंड आउट करती है. अब सारे कैंपसेस की तरह इंजीनियरिंग कैंपस भी दो या तीन ब्लॉक्स में डिवाइडेड है और हर कैंपस में बैचलर्स और मास्टर्स की क्लासेस होती हैं और लैब्स भी होते हैं. तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी. And now you can see block B, building B, and block A. अच्छा ये आपको सारे कैंपसेस में तकरीबन वेंडिंग मशीन्स हर जगह मिलेंगी ताकि आप स्नैक्स वगैरह ले सको क्लास के टाइम. और मैं ये टेम्परेचर मेजर कर लूँ. ओके. So this was the engineering campus. और अगर आपके robotics engineering, environmental engineering, bio engineering या इससे related जो भी engineering की fields available हैं, अगर उसमें आपका admission होता है तो आपकी classes यहाँ पर organize की जाएंगी. सो दिस इज़ वन ऑफ द कैंपस. सोशल साइंस डिपार्टमेंट का जो एक बस एक स्ट्रेट पैसेज में बना हुआ है और वहाँ से लेकर ये सामने तक सारी की सारी स्ट्रेट पैसेज में क्लासेस बनी. So this was the social science campus of University of Genoa, जिसमें bachelors या masters अगर international relations का program है या इससे related political science का program है, so you are going to study in this campus, जो कि city center से approx 750 meters away है. अब हम बात कर लेते हैं admissions की. University of Genoa के admissions अभी open हैं और 31st में apply करने की last date है. एक online application है simple सी, मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. बैचलर्स इसमें फ़िलहाल इंग्लिश लैंग्वेज में फॉरेनर स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल नहीं है, लेकिन एमएस की 16 डिग्रीज 16 मेजर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिनमें इंजीनियरिंग की डिग्रीज हैं, बायोलॉजी से रिलेटेड दो डिग्रीज हैं, आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग से और सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड डिग्रीज हैं और कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड डिग्रीज हैं. ऑल ऑफ देम आर टॉट इन इंग्लिश लैंग्वेज और इन 16 मेजर्स में किसी में भी एडमिशन लेने के लिए आपको एडमिशन टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है एक्सेप्ट कंप्यूटर साइंस. अब कंप्यूटर साइंस में भी हमारे पास डिफरेंट ट्रैक्स हैं जिसमें सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी, डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अवेलेबल है. अगर इन तीनों में से किसी एक में भी आपने एडमिशन लेना है तो आपको एक एडमिशन टेस्ट देना होता है, जिसका फॉर्मेट ये है कि आपको एक फाइल शेयर कर दी जाती है, उस फाइल में कुछ क्वेश्चन होते हैं, आपने वो सॉल्व करने होते हैं, कोई टाइम लिमिट नहीं है, आपने वो सॉल्व करने होते हैं, उसकी सॉल्यूशन को अपलोड करना होता है. एडमिशन कमेटी उसे रिव्यू करती है और अगर वो उसे सेटिस्फाई करते हैं तो फिर आपको एडमिशन ऑफर दे दी जाती है. वैसे तो यूनिवर्सिटी ऑफ जेनोआ ने मिनिमम CGPA की कहीं भी रिक्वायरमेंट नहीं मेंशन की हुई है, लेकिन एज पर माय एक्सपीरियंस अगर आपकी 3 से CGPA कम है आउट ऑफ 4, सो इट वुड बी अ लिटिल डिफिकल्ट टू सिक्योर एडमिशन इन यूनिवर्सिटी ऑफ जेनोआ.
एंड सिमिलर टू द CGPA, IELTS की भी यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट मेंशन नहीं है, बट B2 प्रोफिशिएंसी मांगी जाती है. लेकिन अगर आपकी प्रीवियस एजुकेशन वॉज इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो आपको एक प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट देना होता है और वो भी एक्सेप्टेबल होता है. बट इट्स बेटर कि अगर आपके पास IELTS होगा तो आपकी एप्लीकेशन स्टैंड आउट करेगी और एडमिशन सिक्योर करने के चांसेस ज़्यादा होंगे. सो फर्स्ट फेज हमारा होता है एडमिशन सिक्योर करना. आप लोग एडमिशन सिक्योर कर लोगे तो उसके बाद सेकेंड फेज होगा Elysio स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना, जो कि रीजनल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप होती है. अब अगर आपको इस स्कॉलरशिप से रिलेटेड डिटेल्स पता करनी है तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना के अपलोड कर चुका हूँ, टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप, आप वो देखो. उसमें मैंने पूरा ब्रीफ किया हुआ है कि ये इसकी रिक्वायरमेंट्स कितनी होती हैं, कितना अमाउंट मिलता है, किस तरह मिलता है. दो इंपॉर्टेंट चीज़ें यूनिवर्सिटी ऑफ जेनुआ की स्पेसिफिकली स्कॉलरशिप से रिलेटेड हैं, तो मैं आपको यहाँ पर शेयर कर देता हूँ. उसमें फर्स्ट है क्रेडिट आवर पॉलिसी. यानी दूसरे रीजन्स में, इटली में यह होता है कि आप जब यहाँ पर आते हैं स्टूडेंट, तो उसको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट स्कॉलरशिप की उसे दे दी जाती है. बट यूनिवर्सिटी ऑफ जेनुआ में पॉलिसी है कि आपने नंबर ऑफ क्रेडिट आवर्स जो मेंशन करते हैं वो आपने पूरे करने होते हैं, उसका रिजल्ट आपने रीजनल गवर्नमेंट को सबमिट करवाना होता है, उसके बाद आपको स्कॉलरशिप अमाउंट ट्रांसफ़र किया जाता है. अब कुछ मेजर्स में 20 क्रेडिट आवर्स पूरे करने हैं, कुछ मेजर्स में 30 क्रेडिट आवर्स पूरे करने हैं, तो इट डिफर्स. एंड द सेकेंड पॉइंट इज एकोमोडेशन. जब आपको नीड बेस्ड स्कॉलरशिप मिल जाती है तो यूनिवर्सिटी इज ऑब्लाइज टू प्रोवाइड यू एकोमोडेशन इन द रेजिडेंस. लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ जेनुआ के पास जो रेजिडेंस की बिल्डिंग्स हैं वो कम हैं. सो अगर आप एलिजिबल हो जाते हैं एकोमोडेशन के लिए, तो यूनिवर्सिटी ऑफ जेनुआ आपसे कहती है कि आप अपनी एकोमोडेशन लें इस सिटी में और हमें कॉन्ट्रैक्ट सबमिट करवाएं. तो जितने भी रेंट आपका होता है, जो भी आप सबमिट करवाते हो कॉन्ट्रैक्ट, वो अमाउंट आपको स्कॉलरशिप अमाउंट के साथ रिटर्न कर दिया जाता है बैंक में 6 मंथ्स या 7 मंथ्स के बाद. तो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को एकोमोडेशन नहीं मिलती रेजिडेंस में, रेंटल पे बैक मिल जाता है. लेकिन अगर आप सेकेंड ईयर में आ जाओगे तो आपको यूनिवर्सिटी की रेजिडेंस में स्पेस मिल जाएगा. एंड में यार बात कर लेते हैं सिटी ऑफ जेनुआ की. सिटी ऑफ जेनुआ मिलान से करीब है, सबसे अच्छा पॉइंट. एक प्यारी सी छोटी सी सिटी है, यहाँ पर बीच है, माउंटेन्स हैं, तो जो एडवेंचरस टाइप के लोग होते हैं उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सिटी है ये. अच्छे से सारी रिक्वायरमेंट्स को पढ़ के प्रॉपर एप्लीकेशन सबमिट करो ताकि एडमिशन चांसेस ज़्यादा हों. सो एडमिशन एप्लीकेशन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हों, कोई भी कन्फ्यूजन्स हों, तो आप कमेंट कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो. आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू. सो आई विश यू गुड लक. चाओ चाओ. एंड बाय द वे, दिस इज इटालियन वे ऑफ सेइंग गुड बाय, सो इट्स चाओ चाओ. चाओ चाओ.